वालेकुम सलाम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है साहब, आप इमरान साहब का बहुत शुक्रिया कि इमरान साहब, ईशान सरफराज भाई, ईशान अली चौधरी विसाया और रमीज भाई जो लाहौर और शाहकोट से स्पेशली आए यहाँ मेरे पास, मैं इनका तहे दिल से मशहूर हूँ इन सब का। ज़बरदस्त है जी, सर जी। और दूसरी बात, अब चलेंगे इमरान भाई की शौक की तरफ। जी जी ज़रूर, इमरान भाई से असल तो इमरान भाई, एक तो यह है कि कबूतर परवरी में जिस तरह मैं और मेरे जैसे बहुत सारे छोटे शौकीन भाई हूँ, अक्सर ना लोगों की कबूतर परवरी में लोग कहा जाता है ये कबूतर परवरी कहड़ा शौक है, रिश्ता नहीं समझ रहे लोग, वो क्रिस्तों की बातें आती थी ना, नहीं थी करते, तो अब तो माशाल्लाह ये लग्जरी शौक हो चुका है। लग्जरी ये अब नहीं होया, आप पिछली हिस्ट्री देखें तो नवाबों के शौक थे, लेकिन बीच में कुछ इस पे जब जुआ वगैरह इन्वॉल्व हो गया और इस वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया इस पे कि लोग इसको अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अगर इसकी बैक साइड आप हिस्ट्री जाएँ तो बादशाह और नवाबों का शौक है। ज़बरदस्त सर जी। और सर जी, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे रॉयल के बारे में, रॉयल में किस तरह आपकी कबूतर परवरी में एंट्री हुई और किस तरह आप इस शौक में आए? शौक ये बेसिकली ना, ये कबूतरों का जो शौक है ना, कबूतर परवरी का, जी जी, ये ब्लड में होता है, ये एक दफ़ा लग जाए ना तो ये, मैं कहता हूँ जैसे एक वायरस नहीं छुटता ना, तो ये कबूतरबाजी जिसे शौक हो जाए वो कोई और कोई शौक कर नहीं सकता। ये बचपन से मुझे शौक था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब तब्दीली आती गई, लेकिन बेसिकली ज़्यादा कुछ कारोबारी मसरूफियत की वजह से ज़्यादा हाई फ्लायर रखे, शुरू से मैंने हाई फ्लायर ही थे तो, लेकिन कारोबारी मसरूफियत की वजह से उड़ाना मुश्किल होता था, तो फिर मैं ब्रीडिंग पे आ गया, तो उसमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ने उसमें नाम नवाजा, और अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि कबूतर जैसा भी प्यार करें तो वो कबूतरबाजी के लिहाज से भी पूरा हो, सिर्फ खूबसूरती ना हो, कबूतरबाजी भी उसमें पूरी हो। ज़बरदस्त सर जी। अच्छा सर जी, आपके पास रॉयल का जो इफ्तिताह हुआ वो किस सन से हुआ, मतलब कितने साल पहले? देखिए, ये मैंने टेडी कबूतर बेसिकली जो रखे हैं 2011 से रखे थे, मुझे बेसिकली असल शौक था रेड आइज का, डब वाले कबूतरों का और नीलों का, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, इन्होंने मुझे रहनमाई की कि नहीं कि टैडियों की तरफ आए, टैडी कबूतर बहुत मतलब नायाब ब्रीड है, तो फिर मैंने ये टैडियों का 2011 से स्टार्ट किया, तो 11 के बाद से अब तक इंशाल्लाह इसी पे ही काम फोकस कर रहे हैं, और अपने कबूतरों से अल्लाह का बहुत बहुत आसान है, मुतमईन है और खुश है। अच्छा सर जी, एक तो ये होता है ना कि एक कबूतर परवर उठता है और वो अपने इलाके में फेमस हो जाता है, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने ऐसी कामयाबी दी कि वर्ल्ड का कोई हिस्सा नहीं है, हालांकि मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा हूँ, कि वर्ल्ड का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे आपके कबूतरों की तारीफ ना की जाती हो या लोगों को पता ना हो किसी भी मुल्क की बात करनी, हालांकि मेरे कम से कम 8-10 मुल्कों में तो मेरी भी बात होती है, मैसेजेज आते हैं, मतलब आपके जो परिंदे हैं वो वर्ल्ड फेमस हुए और खूबसूरती के हवाले से, फिर जो लोग उड़ा रहे हैं, काफ़ी लोग जो कहते हैं जी टैडियों में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब मैं उनके इंटरव्यू के लिए गया तो उनके छतों पे भी मैंने देखे जालदा रॉयल पड़े हुए जो कि उन्होंने क्रॉसेस में वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपकी ये कामयाबी का जो हिस्सा था उसमें जो दोस्त है बाप थे उनका भी हिस्सा? जी जी बिल्कुल, दोस्तों का भी होता है। बेसिकली मैंने शौक जब भी किया है ना तो किसी के लिए नहीं किया, अपने लिए किया, मेरी जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ मेरे जहन को मुतमईन कर रही है, मैंने उस चीज़ पर फोकस किया, बाकी इंसान का काम होता है मेहनत करना और मुखलिस होके खलूस से मेहनत करना ना, मतलब मेरा कभी भी राइट लेफ्ट मैंने नहीं देखा कि वो कौन क्या कर रहा है, मैंने हमेशा फोकस रखा है कि मैंने क्या करना है, मेरे दिल को क्या चीज़ पसंद है, तो वो अल्लाह की देखें, हमारा काम होता है मेहनत करना, नवाजना तो अल्लाह का काम है, तो अल्लाह जिसे चाहे ऊपर ले जाए, जिसे चाहे नीचे ले जाए। अब सर जी आते हैं करना साहब के। हाँ जी, भाई हमारे दो इंटरव्यू किए हैं ऑलरेडी पहले ना, तो ये कोई भी क्रेडिट होता है किसी भी परिंदे का तो वो कहते हैं कि इमरान आलम साहब ने जो भी उनके अच्छे परिंदे थे वो मुझे दिए, तो इनके पास कैसे, इनका और आपका सर आज ये भी लोग जानना चाहते हैं। आज इनका शौक ये, मैं बहुत अच्छे बाद आया हूँ, माशाल्लाह समझते हैं तो मेरे बड़े, लेकिन अगर कबूतरबाजी में देखें तो हमारे शागिर्दी है, तो इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, तो आज बड़ा दिल खुश होया इनके बैठ देख के, और माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। बेसिकली मेरी नेचर पता क्या है कि मैं ना, जब मेरा कोई दोस्त होता मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है ना, वो मेरे लिए बड़ी ज़्यादा, मैं उसको अपनी अप्रिसिएशन समझता हूँ, मैं उसको ज़्यादा प्रमोट करता हूँ जो मेरी ब्रीड पे ज़्यादा अच्छा, मेरे से अच्छा काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, इसका तो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर पड़े हैं, आज बहुत दिल खुश होया, तो फिर काफ़ी अरसे बाद देखे, अपने पुराने कबूतर भी काफ़ी देखे,
तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब भी हम पिंडी आते हैं तो इधर ही होते हैं कन्हू साहब के पास। कन्हू साहब, आपको लव कुछ करना चाहेंगे इमरान भाई के बारे में? भाई कल मेरे पास इस वक्त रॉयल पड़े हुए हैं और सारे इन्हीं की गाइडेंस से चल रहा हूँ। जो जोड़े लगाने होते हैं, जोड़े भी इनसे फ़ोन पे हर दूसरे दिन डिस्कशन होती है, बातचीत होती है और इनसे पूछ के डिस्कस करके कुछ ने देख लिया आप किस जगह पे पहुँचे हुए हैं। रॉयल टेडी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कबूतर है, कंप्लीट एक कबूतर है और इसीलिए मैं बस इधर रुक गया हूँ कि बस रखना है तो सिर्फ रॉयल टेडी रखना है और कुछ नहीं। अच्छा सर, भी रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि जो भाई व्यूवर्स हैं वो जो देख रहे हैं उन्होंने भी ये कहना है कि हमें रॉयल देना है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप में इमरान भाई के कुछ जो पुराने ब्रीडर्स हैं 2-4 पेयर्स का शो करवाएं हमें, ताकि देखने वाले दोस्तों को भी मज़ा आए और इमरान भाई के हाथों से भी एक दफ़ा लोग देख लेंगे। जी जी, मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखा देता, अभी दिखा देता हूँ। जो कि ये इतने अल्लाह से मुराद ये है कि जो बेयरिंग आप करते हैं सर, ये तो अल्लाह की ज़ात है जो इनमें खूबसूरती भर रही है, हम लोग तो नहीं इस काबिल, पर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत और पूरी जिस्म पर पूरा बॉडी मेंटेन कर दें। तो आप ये देख सकते हैं, ये इनमें से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बिना डायरेक्ट मेरे से आए हैं, कुछ कन्हू साहब ने ब्रीड करवाए हैं, ये उनका रिजल्ट है। अभी माशाल्लाह इनकी फिटनेस, इनके खड़े होने का स्टाइल देखें, आँखें कोई भी कबूतर पकड़ लें तो क्रिस्टल क्लियर आइज होंगी। रॉयल की पहली निशानी है कि उनकी आंखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रॉड और क्रिस्टल क्लियर होंगी। इनमें डोरा नहीं आता? नहीं नहीं, रॉयल वाली ब्रीड में डोरा नहीं है मेरे पास। डोरा इनका जो बेसिकली होता है वो भी डोरा भी इनका वाइट कलर में आता है। सही है, हाँ वाइट कलर का इनका डोरा है। तो बाकी इनकी ब्यूटी, इनकी स्ट्रक्चर वाइज आप कुछ भी देखें, अब ये यंग पट्ठे पट्ठी हैं, ये यंग पट्ठी है बिल्कुल, ये भी यंग पट्ठी है, ये दोनों।